जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूँ आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 26वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 25वां क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहला ऑप्शन है स्थिर रहती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ती है फिर घटती है, और चौथा ऑप्शन है बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर, तो आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो समूह की बात की जा रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, ग्रुप कहते हैं। और ये जो वर्ग या ग्रुप या फिर समूह है ये आपका कहां से रिलेट कर रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये आवर्त सारणी से रिलेट कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पीटी पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल आवर्त की संख्या कितनी है, आप कहते हैं कि गुरुजी 7 है, और टोटल वर्ग की संख्या कितनी है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी टोटल 18 वर्ग है। और आप सबों को मालूम है कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी में जो आपका उदग्र रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुजी वर्ग कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कहीं पे भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपसे बात की जाएगी आवर्त सारणी में जो वर्ग है, आवर्त सारणी में जो वर्ग है उसकी विशेषता क्या होती है, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या कि अगर हम लोग को आवर्त की विशेषता पूछी जाएगी तो हम लोग कहां से कहां चलेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे हम लोग बाएं से दाएं चलेंगे, लेफ्ट से कहां चलेंगे सर, राइट चलेंगे। जब भी हमें किसकी बात की जाएगी आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषता को लेकर के हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पे हमें किधर से किधर चलना होगा, या आवर्त में अगर हम लोग किसी भी तत्व या उसमें उपस्थित तत्वों की विशेषता की बात करेंगे तो किधर से किधर चलेंगे, आप कहेंगे सर हम लोग बाएं से दाएं चलेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट चलेंगे। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग वर्ग की विशेषता को देखेंगे आवर्त सारणी में, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में हम लोग क्या करेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे ऊपर से नीचे आएंगे। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में, अगर हम लोग आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो परमाणु त्रिज्या होगी, जो परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आप सभी कहेंगे सर इसमें वृद्धि होगी। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सर जो धातुई गुण हमें देखने को मिलेगा वो धातुई गुण में क्या हो रही होगी, आप सभी याद रखेंगे वृद्धि होगी। तो बस आपको वृद्धि के मध्य में बस दो पॉइंट याद रखना है कि आवर्त सारणी में अगर हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो तत्वों की परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो सर वृद्धि करेगी, यानी कि बढ़ेगी। आप इसको यहां पर बढ़ेगी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, बढ़ेगी, या फिर कह सकते हो वृद्धि करेगी। और साथ ही धातुई गुण जो होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसमें भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी वर्गों में जो उपस्थित तत्व होते हैं उसकी संयोजकता समान होती है, यानी कि आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरु जी आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसमें जो मौजूद तत्व होंगे उसकी संयोजकता क्या होगी, समान होगी। साथ में मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगी वो भी क्या होगी सर, समान होगी। तो
मेरे मित्र आप सभी इस चीज को कंठाग्र कर लेंगे कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो तत्वों की संयोजकता होती है वो समान होती है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है सर, समान होती है। नेक्स्ट बड़े मित्र आप सभी ध्यान में रखना अगले प्रॉपर्टीज के रूप में, अगला प्रॉपर्टीज क्या तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आयनन मान का वृद्धि क्या होगा सर, आयनन मान में यानी कि आप कह सकते हो आयनन विभव में आपको कमी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन प्रीति होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिट कहते हैं या एफिनिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रीति के मान में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही क्या होगा तो सर जो विद्युत ऋणात्मकता है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण क्या होगा तो आप सभी याद रखेंगे विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण में भी हमको कमी देखने को मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी इस तीनों में हमको क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी कमी भी देखने को मिलेगी। और अब मेरे मित्र हम लोग इसको बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं, क्या कहिएगा कि सर आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, धातुई गुण में वृद्धि होगी, संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेगी, आयनन विभव इलेक्ट्रॉन प्रीति और विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी तो सर इस गुण में हमको कमी देखने को मिलेगी यानी कि घटोत्तरी देखने को मिलेगी। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप कहेंगे संयोजकता हो या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, समान होती है यानी कि नियत रहती है, तो सर हम इसको स्थिर भी तो कह सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र आपके पहले ऑप्शन में क्या है गुरु जी, स्थिर रहती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी और कोई भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर अब तो ये हमको याद हो गया। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। मेरे मित्र यहां पे आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जब एथेनॉल से हम लोग एथेनोइक अम्ल बनाते हैं तो इनमें से किसके द्वारा अभिक्रिया को जो है वो उत्प्रेरित किया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग हम लोग एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने के क्रम में एज अ कैटलिस्ट एज अ उत्प्रेरक उपयोग करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन हो गया, जबकि याद कीजिए मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है, आप सभी ने ध्यान नहीं दिया होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग क्या करेंगे तो सर एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे चेला जी, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाएंगे तो एज अ कैटलिस्ट हम लोग क्या लेंगे तो सर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे या फिर हम लोग अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे तो सर उसके लिए अल्कलीन KMnO4 फॉर्मूला होता है, और फिर अगर हम लोग अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे तो K2Cr2O7 होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो आपने शब्द में समीकरण लिख दिया, हमें इसके सूत्र के सहारे बताओ। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली एथेनॉल से एथेनोइक एसिड के निर्माण के दौरान क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। किसका, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है। ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो हम पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 का उपयोग कर रहे हैं किस रूप में सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं तो सर इस पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 का उपयोग कर रहे हैं। सो अगर हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे संक्षिप्त में समीकरण यानी कि इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि सर इथेनॉल यानी कि अल्कोहल की बात की जा रही है तो अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH क्या होगा सर, C2H5OH। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसके उपस्थिति में, तो आप कहेंगे सर या तो हम अल्केलीन KMnO4 यूज कर ले, या तो हम अल्केलीन KMnO4 यूज कर ले, यहां पे छोटा वाला एन होगा चला जी, और या फिर हम क्या करें तो सर अम्लीय यानी कि एसिडिक K2Cr2O7 का उपयोग कर ले, क्या देगा ये तो सर CH3COOH देगा, इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं जो कि एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही क्या बनेगा आप कहेंगे सर जी वाटर बनेगा, क्या बनेगा वाटर बनेगा। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है तो आप कहेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले ऑप्शन में है क्षारीय K2MnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7, तो आपका सर पहला ही ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट में देखेंगे तो सर इसमें क्षारीय KMnO4 लिखा हुआ है और साथ ही साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है और अम्लीकृत K2Cr2O7, तो मेरे मित्र यहां पे
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है चेला। जो आपका K2MnO4 है, इस ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे है फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट का, वो गलत दिया हुआ है। K2MnO4 है जो कि गलत है। फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 होता है। तो आपके दूसरे ऑप्शन, तो ये आपका ये सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला गलत है। दूसरे ऑप्शन में क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। मेरे मित्र, आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन का समूह है जो समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। मतलब क्या कि एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। आप कहेंगे सर ये एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र यहां पे आपको समझना होगा समजातीय श्रेणी किसको बोलते हैं। इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी कि हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जो होते हैं उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मेरे मित्र इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग एल्केन की बात करते हैं तो ये क्या है आपका? आप कहते हैं सर हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अच्छा अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर ये भी हमारा क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है। किस प्रकार का? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और अगर हम लोग एल्काइन की बात करते हैं तो कहते हैं सर ये भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी एल्केन का जो फॉर्मूला होता है सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी CnH2n होता है, और एल्काइन का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी CnH2n-2 होता है। क्या होता है सर? CnH2n-2 होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे यहां पर कि एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे, एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे, चाहे हम किसकी बात कर लें सर, मिथेन की बात कर लें या फिर इथेन की बात कर लें, या फिर हम प्रोपेन की बात कर लें, या फिर हम ब्यूटेन की बात कर लें, या फिर हम पेंटेन की बात कर लें, वे सब के सब क्या होंगे सर? आप सभी याद रखेंगे एक ही समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे। मेरे समझाने का मतलब यह है कि अब अगर हम एल्कीन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड की बात करेंगे, चाहे हम इथीन की बात करें या फिर हम प्रोपीन की बात करें या फिर हम ब्यूटीन की बात करें, तो ये सभी क्या कहलाएंगे सर? एक ही समजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग एल्काइन की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर एल्काइन में आएंगे तो पहले हमारा इथाइन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे प्रोपाइन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर ब्यूटाइन आ जाएगा। तो मेरे मित्र इस तरह से एल्काइन ग्रुप के ये जितने भी कंपाउंड होंगे क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे सर एक ही समजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सर किसी हाइड्रोकार्बन के वैसे सभी कंपाउंड जो आपका एक ही ग्रुप से मैच करता हो, या हाइड्रोकार्बन का वैसा समूह जिसमें सर सभी कंपाउंड एक ही ग्रुप से बिलोंग करता हो, उसको हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समजातीय श्रेणी के दो कर्मागत सदस्यों के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एल्केन समूह के कुछ कंपाउंड की तो आप कहेंगे सर मिथेन होगा CH4, अच्छा फिर CnH2n+2 है, तो यहां पर अगर हम दो कार्बन रखेंगे तो दो दुना चार प्लस दो क्या हो जाएगा सर? 6, तो C2H6 ये हो गया आपका इथेन। अच्छा अगर हम यहाँ पे C3H8 की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? गुरुजी प्रोपेन है। मैंने क्या बोला कि सर ये सभी एल्केन ग्रुप के समजातीय सदस्य हैं, या फिर हम कह सकते हैं एल्केन के समजातीय सदस्य हैं, और ये जो श्रेणी है वो क्या है? समजातीय श्रेणी है। इसके बीच में क्या होगा? तो सर दो कर्मागत सदस्यों के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होगा। तो आप देखिए कि CH4 यानी कि मिथेन और इथेन में, तो मिथेन से एक कार्बन ज्यादा है आपका इथेन में, और साथ ही साथ दो क्या है सर? हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यही चीज मैंने बताया था कि इतना का अंतर होता है C2H6 C3H8। आप कहेंगे सर यहां भी CH2 का अंतर है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसके अनुभार में भी कितना का अंतर होगा? तो सर जितना इसका अनुभार होगा। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? 12। हाइड्रोजन के एक परमाणु का एक, तो दो का है, तो सर दो, सॉरी यहाँ पे 12+2 होगा, 12+2 कितना हो जाएगा? 14। यानी कि समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों के बीच में क्या होता है? तो सर अनुभार 14 इकाई का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? 14 इकाई का अंतर होता है, या फिर सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। अब आइए सवाल पे, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि
निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी कि सभी सभी जो आपके हाइड्रोकार्बन है किसी एक ग्रुप में, किसी एक ऑप्शन में, वो समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। ध्यान देंगे कि यहां पे पहला ऑप्शन है आपका C2H4, C2H4 की बात की जा रही है तो आप कहेंगे CnH2n, CnH2n कार्बन दो तो हाइड्रोजन चार, कार्बन दो तो हाइड्रोजन चार, क्या कहिएगा कि गुरुजी ई तो इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अब C3H6 तो आप कहेंगे सर फिर CnH2n, तो कार्बन तीन तो दो गुना तीन C3H6 ये प्रोपीन हो जाएगा। और C4H8 क्या कहिएगा कि सर कार्बन की संख्या चार, हाइड्रोजन की संख्या दो गुनी हो जा रही है तो चार दुना आठ, तो क्या कहिएगा कि C4H8 ब्यूटीन। आप सभी कहेंगे कि सर जी ये पूरा ग्रुप जो है वो हमारा किससे संबंधित है। आप सभी कहेंगे कि सर ये पूरा ग्रुप जो है वो एल्कीन ग्रुप से संबंधित है। किससे संबंधित है? एल्कीन ग्रुप से संबंधित है। मतलब क्या, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। यहां पे तो सभी हाइड्रोकार्बन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर ये आंसर तो नहीं होगा। बिल्कुल चला जी, आइए आगे। आप यहां पर देख रहे हैं क्या है सर, C2H2 है, क्या है, C2H2। अब आप कहेंगे कि गुरु जी ये क्या होगा, तो भाई मेरे आप आओ यहां पर एल्काइन पे यहां पे अगर नंबर ऑफ कार्बन दो रखो तो CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे सर जी 2 × 2 - 2 हो जाएगा, तो C2H4-2। आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये C2H2 हो गया, क्या हो गया, C2H2। और क्या पढ़ोगे, तो आप कहोगे सर इसको तो हम लोग इथाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इथाइन पढ़ेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि C2H2 के बाद आपका यहां पे क्या है, आप कहेंगे सर C3H4 है, हमारा C3H4 है। ध्यान देंगे कि फिर से अगर हम यहां पे तीन रखते हैं तो गुरुजी 2n के जगह हम लोग 2 × 3 रखेंगे तो 6 - 2 क्या होगा, 4, C3H4 जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हमारा प्रोपाइन हो जाएगा। मेरे मित्र C4H6, आप कहेंगे सर मसला वही है, कार्बन की संख्या चार, 4 × 2 = 8 - 2 C4H6 क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ये पूरा ग्रुप ही क्या होगा, आप कहेंगे एल्काइन ग्रुप का सदस्य हो जाएगा, यानी कि एल्काइन ग्रुप के समजातीय श्रेणी बन जाएंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र यहां पे आइए, CH4 इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, आप कहते हैं सर इसको तो हम लोग मिथेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिथेन पढ़ते हैं। अब यहां पर C2H6 आप कहेंगे सर यहां पे लिखे हैं इसी को हम लोग इथेन पढ़ते हैं, तो देखिएगा मिथेन और इथेन क्या है, एक ही ग्रुप के कंपाउंड हैं, जबकि यहां पे C3H6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C3H6, तो ये CnH2n ना हो गया चिला, CnH2n कहां पे सर, एल्कीन पे आ गया, तो अब देखिए C3H6 तो ये तो मिथेन है, ये आपका मिथेन है और ये आपका क्या है, एथेन है, और ये आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ये तो एल्कीन ग्रुप का हो गया, तो ये तो हमारा प्रोपीन हो गया। मतलब क्या हुआ कि सर ये ग्रुप जो है इसमें सभी हाइड्रोकार्बन एक ही समजातीय श्रेणी से नहीं है। अच्छा चौथा ऑप्शन भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक क्या करना, 3 × 6, 5 × 10 और 7 × 14। मेरे मित्र क्या देख रहे हैं कि सर यहां पर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या का क्या है सर, दोगुना है। हाइड्रोजन की संख्या क्या है तो सर कार्बन की संख्या का दोगुना है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये पूरा का पूरा ग्रुप ही क्या हो जाएगा, आप कहिएगा एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। किस ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप का। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे भी आपका क्या था सर, C2H4 था तो ये आपका एल्कीन हो रहा था, और C3H6 आप कहेंगे सर ये भी एल्कीन हो रहा था हमारा, और यहां पर C4H8 तो यहां पर भी कार्बन का जो परमाणु संख्या है उससे दोगुना क्या है, हाइड्रोजन का, तो सर ये भी एल्कीन, तो C4H8 ये आपका प्रोपीन, फिर आपका एथीन और फिर आपका ये प्रोपीन और फिर आपका ये ब्यूटाइन, और फिर इधर आएंगे तो सर यहां पे पेंटाइन और हेप्टाइन लिया है, तो ये दोनों ग्रुप आपका क्या है, एल्कीन ग्रुप का, जबकि ये सर एल्काइन ग्रुप का, और ये सर इसमें एल्केन, मिथेन और एथेन एल्केन ग्रुप से आते हैं, जबकि प्रोपीन जो है वो एल्कीन ग्रुप से आता है, तो आप कहेंगे इसमें शामिल सभी हाइड्रोकार्बन जो है वो समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी 3F पर रखा गया है, प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर रखी गई है। तो मेरे मित्र ये हम बना लेते हैं अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो जाएगा और ये मान लीजिए कि इसका फोकस है, तो इसका 2 गुना दूरी पे क्या होता है सर, वक्रता केंद्र। अच्छा ध्यान देंगे कि सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर यानी कि 3F पर रखा गया है। तो ये आपका फोकस दूरी यहां पे है, इतना फोकस दूरी, यहां आएंगे तो सर फोकस दूरी का 2 गुना, और यहां पर अगर आ जाएंगे तो आप कहेंगे फोकस दूरी का 3 गुना हो जाएगा, वस्तु को यहीं पर रखा जा रहा है। और मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और सीधे आप कह सकते हैं कि सर जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, हम कहेंगे फोकस और सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। अगर आपको इसका प्रतिबिंब बनने का स्थिति मालूम है, कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही आप आंसर टिक कर देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहां पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा, आराम से बनेगा चिलासी, एक कोई प्रकाश की किरण ऐसी हो सकती है जो मुख अक्ष के समांतर जाएगी? आप कहेंगे सर शॉक से जाएगी, परावर्तित होकर के कहां से गुजरेगी? आप कहिएगा गुरुजी ये तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। मेरे मित्र ऐसी कोई प्रकाश की किरण तो हो सकती है ना जो वक्रता केंद्र के अनुदिश जाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती है। और मेरे मित्र अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी तो आप कहेंगे सर वो उसी दिशा में लौट भी जाएगी। ध्यान दीजिए दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कहिएगा कि सर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, साथ में अगर यहां पे आप इमेज नेचर की बात कर लेंगे, अगर यहां पे प्रतिबिंब के प्रकृति की बात कर लेंगे चेला जी, प्रतिबिंब के प्रकृति की बात कर लेंगे तो क्या कहेंगे कि सर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा है। साथ में मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या है, छोटा है। तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। और चेला जी लोकेशन क्या है प्रतिबिंब का? आप कहेंगे एफ एवं सी। क्या है? एफ एवं सी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी वस्तु को जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे तो ये ज्योग्राफी का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि कठोर झाड़ियां और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्र तटों से सटे अंतरज्वारीय क्षेत्रों की अस्थिर ऊर्जा वोलेटाइल एनर्जी से बच सके, डैश बनों की विशेषता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे मैग्रोव बनों की विशेषता है। और सर ये जो बन होते हैं वो क्या होते हैं? तो सर सदाबहार होते हैं यानी कि हरा भरा आपको दिखता है। और इसकी विशेष ये होती है कि इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं आप सभी देख रहे होंगे, ये सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं सर? पानी में उगते हैं। और इसका जो तना वगैरह होता है वो क्या होता है? मजबूत और कठोर होता है और साथ में ये लचीला भी होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल हैं? सब्जियों के छिलके, लकड़ी, रबर। अच्छा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी बिल्कुल समझ रहे हैं। वैसा कोई भी चीज जो प्रकृति में स्वतः डिकम्पोज हो जाए जैव निम्नीकरण कहलाएगा, और जो प्रकृति में स्वतः डिकम्पोज नहीं होगा, स्वतः विघटित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। आपके पहले ऑप्शन में सब्जियों के छिलके दिए हुए हैं तो आप कहेंगे सर सब्जी के छिलके तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, लकड़ी भी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन रबर होगा? गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी, संतरे के छिलके। सर ये सभी आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन इस तरह के सवाल में आपको क्वेश्चन भी क्वेश्चन के ऑप्शन को भी चेक करना जरूरी होता है। घास प्लास्टिक, सर प्लास्टिक है नहीं होगा। फूल लकड़ी, बैटरी नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही आप सबों के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र आगामी एग्जाम के लिए साइंस को पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर आप सेपरेट फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ फिजिक्स द गेम चेंजर बैच में। या फिर अगर आप ALP एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, लाइफ साइंस बेसिक साइंस दोनों साथ में पढ़ना चाह रहे हैं, तो ALP एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में जुड़ सकते हैं। या फिर आप अदर एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को NCERT क्लास 6 से लेकर के 10 तक कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे
साथ जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में। मेरे मित्र इन सभी बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है ये आपको कहां मिलेगा, ये सर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और ध्यान में रखेंगे ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया गया है, आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः डैश द्वारा दर्शाया गया है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहाँ पे इस प्रिज्म की बात करेंगे तो ये वाली जो प्रकाश की किरण जा रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये हमारा आपतित किरण होगा, ये जैसे ही इस प्रिज्म पे पड़ी ये क्या हो गई सर, इधर हमारा अपवर्तित हो गई, तो ये वाली किरण अपवर्तित हो गई। और मेरे मित्र ये वाली किरण क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर इसको हम लोग निर्गत किरण बोलेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप कहेंगे सर ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, और हम सबों को मालूम है कि आपतित किरण और अपवर्तन सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। तो जो हमारा यहां पे आपतन कोण है वो क्या है? आप कहेंगे सर ABN, यानी कि एंगल ABN हमारा आपतन कोण है। क्या है? ABN हमारा आपतन कोण है। और मेरे मित्र आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि विचलन कोण को किससे दर्शाया जाएगा, जबकि मैंने कई बार बताया है कि आपतित किरण और निर्गत किरण से जो कोण बनता है उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अगर आपतित किरण को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ ये जो आपका निर्गत किरण है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं सर? विचलन कोण कहते हैं। तो सर निर्गत किरण को अगर हम इधर बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि सर यहां पर एक एंगल बन जाएगा, और ये जो एंगल बन रहा है चेला जी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर यहां पे हमारा ये E है और सर ये वाला एंगल है हमारा, तो सर ये O आएगा और D आएगा, एंगल E O और D विचलन कोण है, और एंगल A B और N हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर आपतन कोण है। किस ऑप्शन में है देख लीजिए। पहले ऑप्शन में एंगल ए बी सी और एंगल ई ओ डी नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन में एंगल ए बी एन और एंगल ई ओ डी सर बिल्कुल सही है। एंगल ए बी एन क्या है? आपतन कोण, और एंगल ई ओ डी क्या है? आपका विचलन कोण। ध्यान में रखेंगे कि सर एंगल के इस सिंबल को लिखने में जो हमारा बीच में होता है वही हमारा क्या होता है? एंगल होता है। तो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है सर हमारा आपतन कोण है, और यहां पर जो ये एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? विचलन कोण। इसी को यहां पर बड़ा करके दिखाया गया है। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कि L लंबाई और R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नए तार का प्रतिरोध डैश होगा। मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी मान लीजिए कि अगर आपका कोई तार है, मान लीजिए कि ये तार है और इसकी प्रतिरोध R है और साथ ही लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी R इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा रो L A बटा A, यही होगा। अब ध्यान देंगे, अब मेरे मित्र यहां पे ध्यान दीजिएगा कि L यहां पे हम सीधे सीधे ये मान रहे हैं कि कोई तार का टुकड़ा है जिसका लंबाई L है और सर उसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो आप कहेंगे सर R इक्वल टू रो L बटा A। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि L लंबाई और R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो L लंबाई वाला तार है जिसका प्रतिरोध R है, जो L लंबाई वाला तार है जिसकी प्रतिरोध R है, इसको इस तरह से रीअरेंज किया जाता है कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो मेरे मित्र आप ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि जो नया लंबाई है, जो नया लंबाई है, जो नया लंबाई है वो आपका L1 है और इसमें 25% की वृद्धि की जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 25% की वृद्धि की जा रही है, मतलब ये हो गया L प्लस L इंटू 25 बटा 100। मेरे मित्र हम सीधे 125 बटा 100 भी कह सकते हैं अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही है। तो क्या कहिएगा कि सर जी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे कहेंगे कि गुरु जी एल वन इक्वल टू हो जाएगा 125 बटा एल, 125 इंटू एल बटा 100, 25 125 और 25 चौका सर 100, यानी कि ये कितना हो गया 5L/4, यानी कि L1 आपको कितना मिल गया है, जो लंबाई में 25% की वृद्धि हुई तो लंबाई कितना हो गया 5L/4। ध्यान देंगे कि इसका आयतन चला जी क्या रहता है,
तो सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयतन नियत है, आयतन क्या है, नियत है। अच्छा ध्यान देंगे कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाता है, आप कहते कि गुरुजी लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग सीधे सीधे क्षेत्रफल से जोड़ के देखते हैं। अच्छा चला जी, इसके साथ अगर हम एक और लंबाई गुना कर दें तो आप क्या कहेंगे, तो सर इसको हम लोग आयतन के रूप में देखेंगे। मतलब क्या कि क्षेत्रफल गुना लंबाई हमारा क्या हो जाता है, आयतन। तो चूंकि आयतन अगर नियत है, आयतन अगर नियत है और ये ए जो है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बताता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को बताता है, और एल लंबाई को बताता है, तो सर लंबाई में वृद्धि होने के बाद भी आयतन नियत है, तो हम लोग कहेंगे कि गुरुजी a इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एल इक्वल टू लंबाई बढ़ने के बाद हम मान लेते हैं कि सर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a1 है और लंबाई बढ़ा कितना है आपका सर l1, l1 यहां पे आपने निकाल लिया है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर हम यहां से a1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एल बटा l1। ध्यान देंगे कि a हमारा कितना है, तो आप कहेंगे सर a में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, तो a को तो हम रह देते हैं सर। अब l, तो सर पहले आपका लंबाई क्या था l, तो सर इसको हम l ही रहने देते हैं। अच्छा ये l1 है तो 5l बटा 4 है, तो इसको हम यहां पे 5l बटा 4 लिख सकते हैं क्या चला, आप कहेंगे बिल्कुल। तो a इंटू एल गुना क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 बटा 5l। ध्यान देंगे ये L और L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप कहेंगे 4A बटा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4A बटा 5 हो जाएगा। मेरे मित्र आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि आपने नए तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था वो भी निकाल लिया, नए तार की लंबाई कितनी थी वो भी निकाल लिया, तो क्या अब आपसे प्रतिरोध नहीं निकलेगा, आप कहेंगे सर अब तो हम लोग सीधे कहेंगे कि आर वन इक्वल टू हो जाएगा रो रो L1 बटा A1। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि रो तो हम रखेंगे ही, L1 आपका कितना है, आप कहेंगे सर 5L बटा 4 है, 5L बटा 4, तो 5L बटा 4 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका बटा में क्या है सर, तो सर बटा में यहां पे A1 है, मेरे मित्र यहां पे A1 का वैल्यू 4A बटा 5 लिखे हैं, तो आप कहेंगे सर ये यहां पे भागा में आएगा, गुना में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी गुना में इसी चीज को हम उल्टा के, गुना में इसी चीज को हम लोग उल्टा के क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 4a बटा 5 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सर 5 बटा 4a लिख सकते हैं, 5 बटा क्या लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा 25 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा रो रहेगा ही हमारा, और 25 एल और ये 4 चौका 16 ए। मेरे मित्र अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि जो आर वन है वो हमारा क्या है रो एल बटा ए इंटू 25 बटा 16 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो रो एल बटा ए है ये क्या है, तो सर हमारा आर है, तो क्या इसके जगह हम आर रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो आप क्या कहिएगा कि सर जी यही हो जाएगा 25 बटा 16 इंटू आर। तो देख लीजिए कि 25 बटा 16 इंटू आर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक आध सवाल आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पे सर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ध्यान में रखेंगे कि ऐसे सवाल का कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि दो कुंडलियां ए और बी इस प्रकार है कि ए एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, इन्हें एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है, निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी। याद कीजिए इससे पीछे के सेशन में मैंने किसी सेशन के पहले ही क्वेश्चन के रूप में इस क्वेश्चन को डील करा है, और यह क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है। क्या है सर, रिपीट क्वेश्चन, और इसका आंसर भी मैंने बड़े सरलता से समझाया था, और ध्यान दीजिएगा मैंने आपको यह भी बताया था कि उस सेट में जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था वो गलत था, लेकिन आपके इस सेट में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ वो बिल्कुल ही सही है। और मेरे मित्र आप सभी हमारे रेगुलर छात्र हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क के रूप में आप सबों के ऊपर छोड़ रहा हूं, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी भी पढ़ाई कर रहे हैं।
बहरहाल बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कि जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। आप कहेंगे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो हम कहेंगे सर उदासीन अभिक्रिया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, आप कहेंगे सर दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है। अम्ल क्षार अभिक्रिया, सर अम्ल क्षार अभिक्रिया यूं तो हम लोग किसी अभिक्रिया को नहीं कहते हैं, लेकिन उदासनीकरण अभिक्रिया को अगर हम लोग ठेठ भाषा में समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं होगा सर, स्टैंडर्ड उदासनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, तो सर जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो वो क्या कहलाएगा सर, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जा रहा है कि धोवन सोडा, ध्यान में रखेंगे धोवन सोडा, इसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और मेरे मित्र अगर और अच्छे से इसका नाम याद रखना चाहते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पूछा जा रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है सर, क्षारीय प्रकृति की होती है। मेरे मित्र जो पदार्थ खट्टा होगा वो कैसा होगा, अम्लीय नेचर का होगा, और मेरे मित्र जो अम्लीय पदार्थ होगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे गुरुजी खट्टा होगा, जबकि जो क्षारीय होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, तीखा होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय परिपाटी का पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र डैश पर स्थित है। मेरे मित्र फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है वो भी अवतल दर्पण की, तो आप सभी कहेंगे कि सर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होगी, तो जाहिर सी बात है 24 दुना 48 अवतल दर्पण है तो हम लोग कहेंगे सर वक्रता त्रिज्या हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, तो -48 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 की कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, लिंग किसी भी पर्यावरणीय कारक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लिंग का निर्धारण तापमान द्वारा होता है, लिंग का निर्धारण जीनों द्वारा होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो घोंघा से रिलेट करके कहा जा रहा है, तो घोंघा में क्या होता है, तो सर जो लिंग यहां पर बदलता है उसमें सर जीन जो होते हैं वो आंशिक रूप से निर्धारित नहीं होते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कुछ जंतुएं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है, तो सर यह व्यक्त करता है कि लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, लिंग जो है वो पर्यावरणीय कारक या फिर तापमान द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की घ्राण ग्राही, ध्यान में रखेंगे इसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोला जाता है, मतलब ये वैसा रिसेप्टर्स होता है हमारे शरीर में जो अलग अलग स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अलग अलग गंध को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहा जा रहा है कि घ्राण ग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होता है, आप कहेंगे सर गंध की अनुभूति में सहायक होता है। ध्वनि के लिए आपके पास सेंसेशन ऑर्गेन के रूप में कान है ही, स्वाद सर जीभ के द्वारा पहचान जाता है, जीव क्या है एक मांसल संरचना होती है जो आपके बकल कैविटी के फर्श पे होता है सर, और स्पर्श अगर हम लोग किसी भी एस्टिमुलेटिंग की बात करते हैं या एस्टिमुलस की बात करते हैं तो हम लोग उसको स्पर्श के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है, एक सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा डैश होगी। बड़ा सरल सा क्वेश्चन, एच इक्वल टू सीधे आई स्क्वायर आर टी लगेगा चेला जी, आई आपका 0.2 का स्क्वायर करना है और आर 10 ओम है और इंटू 1 है, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10 इंटू 1, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक जीरो कैंसिल मतलब 10 से समाप्त, तो 4/10 तो चला जी 0.4 जूल ना कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी क्षर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि क्षर चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, सर बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग किसी क्षर चुंबक की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सर बाहर से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करते हैं तो ये नॉर्थ टू साउथ होता है, जबकि अंदर में अगर आते हैं तो हम लोग साउथ से नॉर्थ कहते हैं, ये वाला बात सही है। अब दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षर चुंबक के बाहर विद्यमान होती है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। मेरे मित्र अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा केवल क्षर चुंबक के बाहर विद्यमान होती तो हमको इसको सही कहने का तो कोई तुक्के नहीं बन रहा था, मतलब क्या कहेंगे कि सर यह बात गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है, उदाहरण के लिए चावल आलू और ब्रेड में डैश होते हैं, ये विघटित होकर डैश का निर्माण करते हैं। चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे, चावल आलू और ब्रेड जो है ये कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट का ये आप कह सकते हो सर रिच सोर्स माना जाता है, और जब कार्बोहाइड्रेट विघटित होता है तो सर ये क्या बनाता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर सिंपल ग्लूकोज कहते हैं। चूंकि कार्बोहाइड्रेट की जो संरचना होती है सर वो जटिल होती है, और मेनली रूप से हम लोग के शरीर में जो पाचन होता है वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलने के लिए होता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है, उदाहरण के लिए चावल आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये विघटित होकर आप कहेंगे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं चला जी, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज किसमें है, नंबर डी में है, तो टिक लगा दीजिए। आप कहेंगे कि सर यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ बताया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, जबकि अगर हम अपने भोजन के पोषक तत्वों की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा मुख्य रूप से देखते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे स्टार मार्क देख करके कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में किसमें हो जाता है, सिंपल ग्लूकोज में हो जाता है, सिंपल ग्लूकोज में हो जाता है। जबकि चला जी अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की पाचन की, तो प्रोटीन का पाचन किसमें होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में हो जाता है। और चला जी आप सभी अगर फैट की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि यह वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या हो जाता है, तो सर पाचित हो जाता है यानी कि डाइजेस्टेड हो जाता है, मतलब टूट जाता है, विघटित हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 की पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है, सही है। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, यह भी बात सही है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है, ये बात तो गलत है, कहे कि दिन में तो फोटोसिंथेसिस होगा तो दिन में हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। पौधा रात में श्वसन की प्रक्रिया करती है तो रात में ना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिश्रित होगा, आप कहेंगे सर ये गलत हो जाएगा। अच्छा यहां पे कहा जा रहा है विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, मेरे मित्र ये आपका क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है वायुमंडल से किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, या वायुमंडल में किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, आप सभी याद रखना विसरण प्रक्रिया द्वारा। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा था कि श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन आप सभी ने चूज कर लिया है, क्या है ऑप्शन नंबर सी, तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा डॉबराइनर के त्रिक का मुख्य दोष था, उन्होंने त्रिक के गुण धर्मों में कुछ आवर्तिता पाई, उन्होंने तीन तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था, त्रिक के तत्वों के गुण धर्मों में कुछ समानताएं होती है, वह तत्वों के तीन से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ है। मेरे भीतर मेन बात तो यही है, डॉबराइनर बाबा ने तो तीन तीन करके तत्वों का त्रिक बना लिया, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है, आप कहेंगे सर भूल गए, तो आप लोग खाली भूलते हैं, ध्यान देंगे लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने, भूल गए हैं क्या, आप कहेंगे नहीं भूले हैं, ध्यान दीजिएगा कि लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, डॉबरेनर का यही तीन गो त्रिक था, इससे आगे से डॉबरेनर बाबा खोज ही नहीं पाए त्रिक को। बाद बाकी सब गुण सही था कि त्रिक के गुण धर्मों में कुछ आवर्तिता पाई, यह आवर्तिता पाई कि सर इसका परमाणु द्रव्यमान और इसके परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो सर जो बीच वाले तत्व है वो उसका क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी कि किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होगा, तो आवर्तिता पाई इन्होंने, साथ ही इन्होंने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इन सभी को व्यवस्थित किया था और समानता भी था, लेकिन इससे आगे और अगर ट्रिपल निकाल के दिखा देते तब ना, तो आप कहेंगे सर तब तो ये मुख्य दोष हो गया, बिल्कुल, तो सही आंसर भी तो आपका यही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक
किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है, क्योंकि सर यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। आपका पहला ऑप्शन है युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के दौरान द्वारा, बिल्कुल सही है। युग्मज ध्यान में रखेंगे, ये युग्मज जो है ये कब होता है, तो सर फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका स्पर्म और ओवम क्या होता है, जायगोट में बदल जाता है, तो उसको हम लोग युग्मज कहते हैं, जबकि युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल गैमेट्स बोलते हैं। अब है नेक्स्ट, युग्मज निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के दोहरीकरण द्वारा, नहीं सर, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के दोहरीकरण द्वारा ये भी नहीं है सर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सर युग्मक का क्या होता है, तो सर वहां पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि दो प्रतिरोध 20 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः, बहुत सारे मित्र इसका गलत जवाब देकर के आए होंगे मुझे पता है, क्योंकि उनको लगा होगा कि सर प्रतिरोध में पूछ रहा है तो एक बात जो समान रहता है वो याद रहता है, लेकिन विपरीत वाला सर मिस कर जाते हैं। बस इसका फिगर आप देखेंगे, सारी चीजें अपने आप क्लियर कर लेंगे सर। ध्यान देंगे कि यहां पे ये हमारा दो प्रतिरोध है, एक कितना है सर 20 ओम का और दूसरा है हमारा 40 ओम का, ठीक है। अब यह समांतर क्रम में है, अब इसको क्या किया जा रहा है, चला जी इसको जो है वो एक बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है जो कि कितना वोल्ट का है, 6 वोल्ट का। आप सबों को मालूम है कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं उन सभी का जो विभवांतर होता है, उन सभी का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर विभवांतर तो सेम होता है लेकिन इन सभी में धारा क्या होती है, तो सर अलग अलग बहती है, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से धारा का मान अलग अलग होता है जबकि विभवांतर समान होता है। अच्छा विभवांतर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 6 वोल्ट ना होगा, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है ओम के नियम से कि वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आप आई इक्वल टू क्या कहिएगा सर जी, वी बाय आर। चूंकि विभवांतर दोनों प्रतिरोध के लिए सेम ही रहेगा, विभवांतर दोनों प्रतिरोध के लिए सेम ही रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि गुरु जी आई वन इक्वल टू हो जाएगा वी बटा आर वन, बिल्कुल सही सिला। ध्यान देना कि यहां पर वी कितना है 6 और R1 कितना है गुरुजी 20, कितना है 20, तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा द्वितीय 6 और दो दहाई के 20, ये आपका 0.3 एम्पियर हो गया। I1 से कितनी धारा बहेगी 0.3 एम्पियर। अच्छा यहां पे अगर हम I2 की बात करेंगे तो आप कहेंगे V बटा R2 हो जाएगा, बिल्कुल V कितना है 6 और R2 आपका कितना है सर जी 40, कितना करेंगे सर द्वितीय 6 और 20 दुना 40, 3/20, तो आप कहेंगे सर ये I2 का जो मान हो जाएगा वो 0.15 एम्पियर के समथिंग आएगा। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में 0.3 और 0.15 है, 0.3 एम्पियर और 0.15 दिया हुआ है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं, पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए बिल्कुल उपयोग है सर, क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए ऑब्वियसली सर, उनके असंकुचनशील बनाने के लिए ये भी सर, यानी कि 1, 2, 3 तीनों क्या है सर इसका उपयोग ही है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट पढ़ते हैं सर, याद रखेंगे। किसी लेंस की क्षमता -5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आप कहेंगे P इक्वल टू 1/F, -5 इक्वल टू 1/F, आप क्या कहेंगे कि -5 × f = 1 और f = -1/5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -0.2 मीटर आएगा मेरे मित्र, यही सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा आप कहें, सॉरी यहां पे इसको हम -0.2 लिखेंगे और यही आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए, वाष्पोत्सर्जन वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, बिल्कुल सही है। गोंद पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है, यह भी सही है। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र सेंट्रोसोम में होते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है, मैंने कई बार बताया है, तो सर सीधे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि अधिकांश कशेरुक समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, आपसे कहा जा रहा है कि अधिकांश वर्टिब्रे ग्रुप के जो जंतु होते हैं उसमें रक्त का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और 4 चैंबर होता है,
मेरे मित्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो चार चैंबर होना ही चाहिए। हालांकि इस समूह में से एक अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस समूह को पहचानिए। मेरे मित्र ध्यान देंगे आप सभी कि जो उभयचर वर्ग होते हैं इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी कि उभयचर वर्ग और जो आपका सरसृप वर्ग है इस दोनों में सर दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि पक्षी में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और मत्स्य वर्ग में भी क्या होता है सर, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, सभी जितने भी वर्टिब्रे जंतु हैं उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हालांकि इस समूह में एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में उस समूह को पहचानिए। मेरे मित्र, जो आपका समूह है वो क्या है, मत्स्य वर्ग है। क्या है सर, मत्स्य वर्ग। ये क्या होते हैं, तो सर वर्टिब्रे के कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन इसमें जो सर परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है वो आपका उभयचर और सरसृप होते हैं। जबकि यहां पर कशेरुक की बात की जा रही है तो कशेरुक के अंतर्गत मत्स्य वर्ग आते हैं, मछली वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें फिर भी क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और साथ ही इस पूरे सेशन को भी समझ पाए होंगे। अगर आपको इस प्रकार का दोबारा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी बखूबी दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।